सो हे गाइस कैसे हो, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में बात करूंगा डेटा लोन ऐप के बारे में। डेटा लोन ऐप क्या है, इसे कैसे यूज करना और इस एप्लीकेशन के अंदर कैसे जो लोन के लिए अप्लाई करना है, ये रियल या फेक है, फुल रिव्यू देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चैनल पर नए हो, चैनल को आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो यार, इतना मेहनत करता हूँ वीडियो बना रहा हूँ यार आप लोग के लिए, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग, सब्सक्राइब करो, वो रेड वाला बटन है ना उसको सब्सक्राइब करो, तोड़ो या फोड़ो जो भी करना है करो, सब्सक्राइब कर दो। और लाइक नहीं का तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ यार वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट नहीं करता है कोई यार, चलो कोई बात नहीं, कमेंट कर देना इस वीडियो के अंदर। और डेटा लोन के लिए, डेटा लोन ऐप से जो लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, कैसे रियल या फेक है, फुल रिव्यू देने वाला इस एप्लीकेशन के बारे में, तो पूरा देखना वीडियो। ओपन करते हैं सबको और यहाँ पे डेटा लोन द सेफ्टी एप्लीकेशन बता रहा है, तो यहाँ पे कुछ परमिशन है, अगर पढ़ना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, यहाँ पे पढ़ लेना, फिर यहाँ पे छोटे वाले बॉक्स पर कर देना क्लिक, एग्री वाले बटन के ऊपर कर देना है क्लिक। क्लिक करने में दोस्तों आप लोग को लोडिंग हुआ, यहाँ पे अलाउ का परमिशन मांगेगा, जितना पर भी आपको अलाउ का परमिशन मांग रहा है आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। अब यहाँ पे लोन अमाउंट की बात करो तो 70,000 तक का आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है। अब आप लोग लेना चाहते हो तो भाई ले सकते हो, इजी लोन है, सेफ लोन है और भी जो है ऑनलाइन लोन है और यहाँ पे इजी लोन जो भी है सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर मी वाले ऑप्शन पर करते हैं क्लिक, गो लोन, लोन रिकॉर्ड पॉलिसी और यहाँ पर टीम एंड सर्विस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये एप्लीकेशन रिपेमेंट है, इंडिया रेसिडेंट और एज है 18 से 55 ईयर्स ओल्ड तक और यहाँ पर कुछ वगैरह देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लेना। तो हम क्या करते हैं आप लोग के सामने ही यहाँ पर रजिस्टर कर लेते हैं भैया, नंबर डाल दिया, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कर वाले क्लिक करो, ओटीपी आएगा, उस ओटीपी के ऊपर आपको यहाँ पे ओटीपी ले लेना है, सिंपल से ओटीपी आ चुका है, कॉपी कर लिया, नेक्स्ट कर दिया, यहाँ पे नेक्स्ट करने दिया, लोडिंग हुआ, लोडिंग होने से फिर से आपको अप्लाई वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक अपलोड डेटा प्रोमिट के ऊपर आपको ये सारा चीज़ आपको पढ़ लेना है, एग्री वाले बटन के ऊपर कर देना है क्लिक, अपलोडिंग का ऑप्शन आएगा, अपलोडिंग का ऑप्शन आने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको लोन लेने के लिए और कैसे आपको लोन लेना है और ये रियल या फेक है भाई सब कुछ मैं बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप भी किसी ऐप के अंदर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको पता नहीं, फर्स्ट टाइम आप लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हो, रियल या फेक है, आपके साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है, आपका पैसा भी जा सकता है। सो वीडियो कभी भी देखें लोन के लिए तो भाई वीडियो को पूरा फुल वॉच करके जाए। तो यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, लोडिंग हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे QR इंप्रेशन, आपको आधार कार्ड का फ्रंट और आधार कार्ड का बैक साइड का फ़ोटो अपलोड करना है और पैन कार्ड का फ्रंट साइड का फ़ोटो अपलोड करना है, फिर कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग को बता दूँ यहाँ पे क्या सच में अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना ज़रूरी है, क्या आपको लोन सच में देगा भी या नहीं देगा। तो दोस्तों इससे जानने के लिए आपको संभल से प्ले स्टोर पर आना है, इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, करने के बाद यहाँ पर सेव ऑल रिव्यू के ऊपर कर देना है क्लिक, यहाँ पर क्रेडिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है सब कमेंट देख रहे हो, नोट प्रोवाइडेड एनी लोन ओनली कलेक्शन डेटा, दिस इज द वेस्ट ऐप रैली एंड बैड एक्सपेरिमेंट। पॉजिटिव के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो भाई ये सारे के सारे पॉजिटिव जितने भी कमेंट देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे इन्हीं के कमेंट्स होते हैं कि भाई कोई भी पब्लिक आए कमेंट्स पढ़ के हमारे एप्लीकेशन के अंदर जो लोन के लिए अप्लाई कर दे वैसा। तो गाइस डेटा लोन एप्लीकेशन फेक है, कोई भी लोन लेने के लिए अप्लाई मत करना, नहीं तो